हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सुशील अभिषेक निधि गुप्ता सचिन त्रिपाठी हरीश खुशी रानू अनामिका फैजल खान सभी लोगों को गुड मॉर्निंग मैं पूजा महिंद्रा आप लोग का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज है उनतीस अप्रैल तो हम देखेंगे आज हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं साथ ही साथ हम देखेंगे हमारे देश दुनिया में आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई तो आज मैंने ज़्यादा एम को कवर करने की कोशिश की है क्योंकि आपको थ्योरी ज़रूरी है मैं ऐसा नहीं कह रही कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होती बिल्कुल होती है लेकिन करेंट अफेयर्स में एम सी क्यू का वेटिस ज़्यादा है क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का थ्योरी नहीं पता है क्योंकि अपन को डिस्क्रिप्शन uh, पेपर नहीं देना है अपन को एम देना है है ना आप लोग को ऑब्जेक्टिव पेपर देना है इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आज एम को शामिल करने की कोशिश की है तो आ जाओ फटाफट हम बात करेंगे आज के करेंट अफेयर्स की सबसे पहले बात करेंगे हम आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा वो आपको कहाँ मिलेगा वीडियो के अंत में तो देखो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा तो फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दो देखो सर ने एक आपको लिंक भी दी है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी आज की जो पी है वो डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है तो फटाफट जल्दी से आ जाओ और जो लोग एलिजिबल हैं एस के लिए तो वो एस का नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो एस का फॉर्म फिल कर सकते हैं बाकी एसएससी का आपने पैटर्न देखा करंट अफेयर्स के हर सेट में सेवन टू एट क्वेश्चन आए हैं तो करंट अफेयर्स का वेटेज अपने आप में बढ़ता चला जा रहा है आपने आरआरबी एनटीपीसी बी अगर पेपर दिया हो तो आपने उसमें भी देखा कि करंट अफेयर्स काफी ज्यादा पूछा गया था अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है तो देखो अप्रैल महीने में बहुत सारी घटनाएं घटित हो गई हैं अब इनका पूरा समरी होना भी आपके पास इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कुछ हो क्यों ना कि हम एक घंटे दो घंटे में पूरा अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स हम पढ़ लें तो बिल्कुल महीने के अंत में मंथ के एंड में हम पूरे करेंट अफेयर्स को निचोड़ेंगे मतलब पूरे अप्रैल महीने का जो गुड मॉर्निंग चलिएगा पहला था एक अप्रैल एक अप्रैल को आपने उड़ीसा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जिसको उत्कल दिवस कहते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं बोल रही हूं वो इंपॉर्टेंट है दो अप्रैल को गुड फ्राइडे या वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं जिसकी थीम थी इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी इन द पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड ठीक है चार अप्रैल को आपने इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस सेलिब्रेट किया जिसकी थीम क्या थी प्रिजर्वेंस पार्टनरशिप एंड द प्रोग्रेस अब बात करेंगे पांच अप्रैल की पांच अप्रैल को अपने नेशनल मैरिटाइम डे सेलिब्रेट किया था साथ ही साथ इंटरनेशनल डे ऑफ भी सेलिब्रेट किया था अच्छा इंटरनेशनल मैरीटा डे की थीम क्या थी सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड द कोविड नाइनटीन साउंड अच्छा नहीं आ रहा है एक सेकेंड रुकी अभी शायद ठीक होगा सात अप्रैल को आपने वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया था जिसकी थीम क्या थी बिल्डिंग ऑफ फेरियर एंड द हेल्थियर वर्ल्ड अब बात कर लेंगे दस अप्रैल के बारे में दस अप्रैल को आपने वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया था जिसकी थीम क्या थी होम्योपैथी रोड में फॉर द इंटीग्रेटिव मेडिसिन ठीक है 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया था जिसकी थीम क्या थी कीप मदर्स एंड द न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस बारह अप्रैल को आपने इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट किया था तेरह अप्रैल को आपने इंटरनेशनल डे ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑब्जर्व किया चौदह अप्रैल को भीम जयंती थी साथ ही साथ वर्ल्ड जगाज डिसीज डे को भी सेलिब्रेट किया पंद्रह अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया सोलह अप्रैल से आपको रेलवे शुरू हुई थी इसलिए इंडियन रेलवे डे हम सेलिब्रेट करते हैं साथ ही साथ वर्ल्ड वॉइस डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं अच्छा ठीक है ना ओके ओके ऑल ओके है ठीक है वन वर्ल्ड मैनी वॉइस इसकी थीम थी सत्रह अप्रैल ये दिन इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे एडोप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन द न्यू वर्ल्ड इसकी थीम थी 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया था भारत में अभी 38 हेरिटेज साइट बिलोंग कर रही हैं और भारत पर 42 जो है वो रामसर साइट्स हैं जिसकी थीम क्या थी कॉम्प्लेक्स पास इन द डाइवर्स फ्यूचर 19 अप्रैल को आपने वर्ल्ड लीवर डे दे सेलिब्रेट किया था 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया था यह दिन इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी सेलिब्रेट किया था 22 अप्रैल का दिन पूरे अप्रैल महीने में सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ डे रिस्टोर आर अर्थ इसकी थीम थी 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया 24 अप्रैल का दिन इंपॉर्टेंट होता है सेवेंटी थ्री नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये सारी कार्यक्रम हुआ था नेशनल पंचायती राज डे दे। अच्छा देखिएगा जो नेशनल पंचायती राज डे हमने सेलिब्रेट किया चौबीस अप्रैल को इसमें ई पंचायत जो होती है मतलब जो हमारे गांव होते हैं जो पंचायत तीन लेवल की होती जो है जो गांव होते हैं उनमें कितना डिजिटल डिजिटलाइजेशन हुआ है कितना ज़्यादा लोग डिजिटली कनेक्ट हुए हैं ई पंचायत का जो अवार्ड दिया गया है फर्स्ट नंबर पर आपका यू पी जैसा कि मैंने बताया था और सबसे ज़्यादा जो ई पंच सबसे ज़्यादा जो अवार्ड दिए गए हैं नेशनल पंचायत डे पे वो आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं सत्रह ठीक है तो इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किसे दिए हैं आंध्र प्रदेश को दिए हैं सत्रह अवार्ड लेकिन ई पंचायत में सबसे आगे कौन है तो ये उत्तर प्रदेश है जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया था ठीक है क्योंकि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था इसलिए वो कंफ्यूज था तो मैंने इसे क्लियर कर दिया अच्छा जैसे कि स्टूडेंट का क्वेश्चन आया तो आपका भी कोई डाउट हो सकता है आपके मन में कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो कोई बातें रह गई हो तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं ऐट द रेट पूजा महिंद्रा जी एस चैट ऐट द रेट पूजा महिंद्रा जी एस चैट ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आप इस पर अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं अच्छा पच्चीस अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया था ये दिन भी इंपॉर्टेंट है इसकी थीम क्या थी रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट ठीक है बिल्कुल अभिषेक जी स्वामित्व स्कीम भी लॉन्च की थी चलो अगली बात करेंगे 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया था जिसमें भारत की थीम क्या है डब्ल्यू के द्वारा ये सेलिब्रेट होता है और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की थीम क्या है, है, है? 40 नंबर की भारत की रैंक है अच्छा इसकी थीम क्या थी आई एंड एस टेकिंग यूर आइडियाज़ टू द मार्केट अट्ठाइस अप्रैल को आपने वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड द हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेट किया जिसकी थीम क्या थी एंटिसिपेड प्रिपेयर एंड द रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस इन्वेस्ट नाउ इन द री ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड द हेल्थ सिस्टम आज उनतीस अप्रैल और उनतीस अप्रैल को हम जो सेलिब्रेट करते हैं यूनेस्को के द्वारा होता है ये सेलिब्रेशन उनतीस अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसकी थीम क्या है पर्पज ऑफ डांस आज का दिन है उनतीस अप्रैल ठीक है अच्छा रश्मि जी ठीक है <laughs> गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आइए अब हम बात कर लेते हैं सीधे अपने कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तो कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन था बोथ सी एंड डी और जब मैंने देखा तो यहाँ पे बी एंड सी होना चाहिए था तो मैंने ऑप्शन करेक्ट कर दिया नो no लैंड जो कि 93 नंबर के आपके ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेट किए गए थे उसमें नोबेंदलैंड no जो है उसको एक चाइनीज डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई है जिसका नाम जिनका नाम है चालो जाओ तो नोमन लर्ड को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है और चालो जाओ को जो है वो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ये चाइनीज़ या एशिया रीजन की पहली महिला है जिनको ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का तो इन्होंने किन किन तरीक़ों से हिस्ट्री बनाई तो पहला तरीका तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फीमेल कैटेगरी में इनको दिया गया था ये बात सही है और वही पहली महिला फिल्म मेकर है जिनको चार अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया ये पहली बार हुआ है तो बी और सी दोनों सही है बी एन सी दोनों आंसर सही हैं ठीक है बी एन सी क्योंकि चाओ जाओ हैं जो है चाइनीज हैं इन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था नोबिंद लैंड तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है इनको ये जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था तो बोथ बी एन सी सही आंसर है तो चलो जाओ बिन्स बेस्ट डायरेक्टर द फर्स्ट वुमेन ऑफ द कलर टू रिसीव दैट ऑस्कर साथ ही साथ ये फर्स्ट वुमेन है टू रिसीव फोर ऑस्कर नॉमिनेशन इन द सिंगल ईयर बेस्ट फिल्म एडिटिंग बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट पिक्चर कैटेगरी तो चार कैटेगरी में इनकी मूवी को नॉमिनेट नौ, नौ, किया गया तो इसलिए बी और सी दोनों आंसर सही हो जाएंगे ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट आइए अब हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू की सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon never miss an update Celina. एम सी क्यू की बात करते हैं हम लेकिन इसके पहले एक बार लिंक को शेयर कर देंगे फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कोई भी पढ़ना नहीं छोड़ेगा क्योंकि डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो एग्जाम तक काफ़ी सारा हो जाएगा अगर आपने बीच में पढ़ाई करना छोड़ दिया तो जितना आपको आता है आप सब कुछ भूल जाएंगे इसलिए कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी मेनटेन होना ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ऐसा नहीं कि कोविड हो गया है कोविड चल रहा है तो पढ़ाई करना बंद कर दो पता नहीं कब एग्ज़ाम होंगे एग्जाम तो हो जाएंगे लेकिन अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखेंगे साथ ही साथ जो पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द सिपरी इस क्वेश्चन को लिखेंगे इंपॉर्टेंट बैंकिंग वाले और सारे सेक्टर्स वाले व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द दिपरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस फॉर द ईयर 2020 तो सिपरी की जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो आपके आयात करने में जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदने में जो आपका खर्चा होता है किसी भी देश का सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करता है मिलिट्री सर्विसेज को या डिफेंस को या फिर हमारे ट्रूप्स को या आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स को तो सिपरी के द्वारा वो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है तो दो में भारत की रैंकिंग क्या है दसवीं छठवीं, फोर्थ या थर्ड चलो आंसर करो चलिए थर्ड कह रहे हैं केशव जी कविता कुमारी कमल निर्मला अभिषेक राजकुमार आरोही साहब बिल्कुल सही बात है U.S.A ने टॉप किया है U.S.A फर्स्ट नंबर पे और भारत की जो रैंकिंग है भारत की रैंकिंग कितनी है सिपरी रिपोर्ट में तीसरे नंबर पे है तो आइए इस रिपोर्ट पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि सिपरी रिपोर्ट होती क्या है तो देखते हैं इंडिया रैंक थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी द यू टॉप सिपरी रिपोर्ट तो देखिएगा स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का फुल फॉर्म होता है क्या होता है सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का फुल फॉर्म होता है सिप्री के द्वारा 26 अप्रैल को 2021 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था जिसके अंतर्गत बताया गया कि, कि किस देश का खर्चा सबसे ज़्यादा है अपने मिलिट्री को रखने में अपनी मिलिट्री को आ, इक्विपमेंट देने के लिए या मिलिट्री पे खर्चा करने के लिए तो अमेरिका का स्थान पहले नंबर पे और भारत की जो रैंकिंग है वो तीसरे नंबर पे है अगर मैं टॉप फाइव नेशन की बात करूँ तो पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है और इसका अपने मिलिट्री के ऊपर होने वाला खर्चा कितना है सेवन सेवन एट बिलियन डॉलर सेकेंड नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे भारत है तो भारत अपनी मिलिट्री पे कितना खर्च करता है तो सेवेंटी टू पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया का खर्चा है फिर चौथे नंबर पे रशिया और पाँचवें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम आया है अगर इन पांचों नेशन को मिला दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड का सिक्सटी जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये पाँच नेशन करते हैं ठीक है ठीके? अब ऐसा बोला जा रहा है कि सिपरी रिपोर्ट ने कहा है कि इस साल जो पूरा आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ है वो 1981 नाइन एट वन डॉलर मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर हुआ है जो कि पिछले साल से 2.6 परसेंट इंक्रीज हो गया है मतलब 2019 से इस साल जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 2.6 परसेंट क्या है इंक्रीज हो गया है अगर मैं थोड़ी सी सिपरी के बारे में बात करूँ है ना अगर मैं थोड़ी सी सिपरी के बारे में बात करूँ तो सिपरी का फुल फॉर्म आपको पता चल चुका है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है अच्छा इसकी स्थापना कब हुई तो सिक्स मे नाइनटीन को इसकी फाउंडेशन हुआ था इसके डायरेक्टर कौन है डैन स्मिथ है ठीक है ये स्टॉक होम या स्वीडन बेस्ड एक कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन के द्वारा कंडक्ट होती है साथ ही साथ यही कंपनी जो है वो आपकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट हर साल पब्लिश करती है चलो चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं द शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज रिसीव द लाइसेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट बैंकिंग वालों थोड़ा उठ जाओ द शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज रिसीव द लाइसेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट टू बिगिन ऑपरेटिंग एज द एस एफ बी स्मॉल फाइनेंस बैंक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह काम करने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है आर के द्वारा लाइसेंस दिया गया है ऐसा लाइसेंस पाने वाला शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला बैंक बन गया है तो किस सेक्शन के अंतर्गत जो है वो आर ने इसको लाइसेंस प्रोवाइड किया है सेक्शन ट्वेंटी टू ए सेक्शन ट्वेंटी वन ए सेक्शन ट्वेंटी फाइव ए या सेक्शन ट्वेंटी तो देखिएगा जब आप पढ़ते हैं तो ये कोई भी बैंक होता है या बैंकिंग की जो टर्मोलॉजी है कि व्हाट इज द बैंक कहाँ पर डिफाइन है बैंक तो आपको एक ही चीज़ याद आती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या याद आना चाहिए आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट याद आना चाहिए तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था 1949 में पास हुआ था तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के ज़रिए किसी भी बैंक को आप लाइसेंस दे सकते हैं तो आरबीआई ने इसी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू वन मतलब ऑप्शन ए के जरिए जो है वो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को आर ने लाइसेंस दिया है ठीक है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा तो आइए इस न्यूज़ को भी देख लेते हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड बिगिन ऑपरेशन ये एक यूपी बेस्ड आपका यूपी ठीक है यूपी बेस्ड एक शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी के, के अंतर्गत शामिल किया है और इसके लिए आर के द्वारा इसे लाइसेंस दिया गया है अंडर द सेक्शन ट्वेंटी टू वन ए ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन ये जो शिवालिक बैंक है बेसिकली ऑपरेशन करता है उत्तर प्रदेश में दिल्ली के कुछ पार्ट में मध्य प्रदेश और उत्तराखंड इन चार जगहों पे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक काम करता है ठीक है तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है अगर मैं आर के बारे में बता दूँ तो आर की जो स्थापना थी वो हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन से हुई थी साथ ही साथ हिल्टन यंग कमेटी कब बनी थी 1926 में बनी थी आर कब स्थापित किया गया तो फर्स्ट अप्रैल 1935 को आर की स्थापना की गई थी और 1937 में इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था ठीक है अगला प्रश्न देख लेते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लिविंग माउंटेन द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है इस प्रश्न को मैंने कल डिस्कस किया था गुड मॉर्निंग राजू जी कह रहा है इसका हेड ऑफिस लखनऊ में अच्छा राजू जी सिडवी का हेड ऑफिस भी जो है वो लखनऊ में है कि नहीं जो सिडवी है उसका हेड ऑफिस भी कहाँ पर है आपके लखनऊ में है तो सिडवी का भी याद रख लेंगे नबार्ड का कहाँ है तो नबार्ड का मुंबई में है सेबी का कहाँ है तो सेबी भी मुंबई में है ठीक चलो वॉट इज द ऑथर ऑफ द हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लिविंग माउंटेन द लिविंग माउंटेन रश्मि कह रही है अमिताभ गोश पे टिक कर दो राजकुमार कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए थग लाइफ कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अमिताभ गोश अमिताभ गोश के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द लिविंग माउंटेन वेरी गुड ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा चलो सैयद सर की बात को मानिएगा सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दो और सेशन को एक बार लाइक कर दो अगला प्रश्न हमारे पास द तो सब मरीन के आर आई नंगाला विच वेंट मिसिंग रिसेंटली बिलोंग टू द विच कंट्री भारत का भी जो इस भारत की जो आ, हमारी नेवी थी उसने भी इसको सर्च करने में बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था तो ये जो किस देश का पनडुब्बी था जो कि मिसिंग हो गया था मालदीव साउथ कोरिया इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका चलो आंसर कर दो फटाफट आंसर करेंगे इस प्रश्न का इंडोनेशिया कह रही रहे है रश्मि मंडल इंडोनेशिया कह रहे हैं ममित प्रसाद ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है इंडोनेशिया 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 की जो कैपिटल है वो जकार्ता है इंडोनेशिया जो है वो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन मतलब प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में फैला हुआ तेरह आइलैंड से मिला हुआ एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया इंडोनेशिया में आपको क्राकाताओ क्राकाताओ और माउंट मैरापी वॉलकैनो मिलेंगे ज्वालामुखी मिलेंगे साथ ही साथ टोबा टोबा लेक भी आपको इंडोनेशिया में मिलेगी टोबा लेक भी कहाँ है इंडोनेशिया में स्थित है आइए अगला देख लेते हैं हम जो बिल्कुल राहुल कुमार जी अगला प्रश्न है, है कैप्चर द 2021 बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट को किसने जीता है बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट एक टेनिस टूर्नामेंट है इसे किसने जीता है राफेल नडाल ने स्टेफिन इस्तितपीज ने नोबाक जोकोबिच ने या रोज़र फेडरल ने ये सारे के सारे बहुत ही उम्दा जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं अच्छा भारत में भी एक टेनिस प्लेयर है जिनका नाम याद रख लेना मनिका बत्रा तो मनिका बत्रा भी जो है वो टेनिस खेलती हैं तो मनिका बत्रा पूछा गया है एग्जाम में मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से तो ये भी टेबल टेनिस खेलती हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा स्पेन के खिलाड़ी और स्पेन के खिलाड़ी कौन है तो राफेल नडाल है और राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट को जीता है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा वेरी गुड निर्मला अंशिका सिंह विकास कुमार आरोहिसा दीपाली रश्मि वेरी गुड चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं राफेल नडाल बीस फेन, फेनोस जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं इनको हराकर बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट को जीता है ये बारहवा बार्सिलोना ओपन टाइटल है इनके कैरियर का ठीक है ये बारवा बार्सिलोना टाइटल ओपन टाइटल है इनके कैरियर का ओके चलो अगली बात कर लेते हैं हम यहाँ पर देखिए अगर साल भर में चार इम्पॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जिनका नाम भी आपको पता होना चाहिए और याद करने का तरीका है अपवाहा अपवाहा ठीक है ना मतलब ए एफ डब्ल्यू ओ ऐसा याद रख लेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन बिम्बल्डन और यू एस ओपन ठीक है तो ये चार जो है वो इम्पॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट साल भर में खेले जाते हैं तो इन चारों टूर्नामेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन बिम्बलडन और आपका यूएस ओपन बिम्बलडन जो है वो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है बिम्बलडन जो है वो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है ठीक है अब ये देखो यहाँ से क्रश प्रश्न ये भी आता है कि कौन से कोर्ट में ये खेले जाते हैं ठीक है कौन से कोर्ट में ये खेले जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं एफ मतलब आपका फ्रेंच ओपन जो है वो आपके क्ले कोर्ट में खेला जा ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और बिम्बलडन जो है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है इनको भी याद रख लेंगे अगला प्रश्न देख लेते हैं ठीक है बिल्कुल अगला है दादूधन प्रतापन गाधवी हु हैज पासड अवे रिसेंटली ठीक है किस चीज का रिप्लाई ओम प्रकाश जी हाँ तो ये दादुनन प्रताप दान इनका हाल ही में निधन हो गया है ये किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं इसका ये मतलब समझ में आ गया ये तो एक पोएट है अब किस भाषा में कविताएं है? लिखते हैं बंगाली गुजराती उर्दू या फिर हिंदी अच्छा मैंने पहले सही बोला था बिम्बलडन ग्रास में है और फ्रेंच ओपन क्ले में है हाँ पहले देखो पहले हार्ड कोट आता है हार्ड हुआ उसमें आपने क्ले डाली क्ले के बाद उसमें ग्रास आ गई और फिर वापस वो ग्रास काट लोगे तो हार्ड हो जाएगा है ना तो ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन ये आपका फ्रेंच ओपन ये हो गया बिम्बल्टन और ये हो गया आपका यूएस ओपन चलो अभी ठीक हो गया तो गुजराती कह रहे हैं सभी लोग क्या बात है गुजराती वेरी गुड गुजराती हाँ राहुल जी मैंने करेक्ट कर दिया गुजराती बिल्कुल सही आंसर है गुजराती तो ये देखिएगा गुजराती पोएट हैं और फोक सिंगर भी हैं दादादून गादवी जिनका हाल ही में अस्सी साल की उम्र में निधन हो गया है इनको कभी दादा के नाम से भी जाना जाता है अब सुनिएगा ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्यों है क्योंकि इनको दो में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था मतलब ये दो रीज़न से करंट अफेयर्स में आ गए एक तो उनका निधन हो गया इसलिए और दूसरा पद्मश्री अवार्ड इनको 2021 में दिया गया था ऑन द कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर एंड एजुकेशन साथ ही साथ पंद्रह गुजराती फिल्मों में भी गाना इन्होंने गाया है तो ये पद्मश्री से सम्मानित है और पद्मश्री जो है वो आपका फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है तो इनको पद्मश्री भी मिला है दो में तो कमेंट करके बताओ कमेंट करके बताओ कितने लोगों को 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है कितने लोगों को 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो अगला प्रश्न देख लेते हैं विच कंट्री हैजॉप द सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस रैंकिंग फॉर द ईयर 2020 ट्वेंटी अभी अपन ने इस प्रश्न को देखा था थोड़ी देर पहले अपन ने इस प्रश्न पर डिस्कशन किया था कि सिपरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस रैंकिंग में किस देश का पहला स्थान है तो आंसर था आपका क्या यूएसए यूएसए का स्थान पहले नंबर पे था यूएसए के बाद चाइना था चाइना के बाद इंडिया था इंडिया के बाद कौन था रशिया था रशिया के बाद कौन था रशिया के बाद था यूके यूनाइटेड किंगडम तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग थर्ट थी और यूएसए ने टॉप किया तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सब लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं ईशान कह रहे हैं वन पोएट भी थे और सिंगर भी थे 112, 119, अरे क्या कर रहे हो टोटल 119 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं वन जीरो टू अवार्ड जो है वो पद्मश्री अवार्ड थे और सात जो थे वो पद्म विभूषण थे और दस जो थे वो पद्म भूषण थे ठीक है तो टोटल जो पद्म अवार्ड इस साल दिए गए थे वो वन वन नाइन थे बिल्कुल सही बात है पद्मश्री एक सौ दो को मिला है पद्म विभूषण सात को मिला है और पद्म भूषण दस लोगों को मिला है तो एक सौ दो सात और दस याद रखना है चलो अगला न्यूज़ देख लेते हैं नेम द ऑथर ऑफ द नोबल वेयर अबाउट वेयर अबाउट जो नोबल है उसके लेखक कौन है जुम्मा लहरी हैं रस्किन बॉन्ड हैं सलमान राशदी हैं या अमिताभ घोष हैं अब ये जो चारों दिख रहे हैं ये बहुत अच्छे ऑथर हैं बहुत अच्छे लेखक हैं तो वियर्स अबाउट के लेखक कौन हैं आंसर करेंगे बिल्कुल अभिषेक जी एक सौ उन्नीस इज इक्वल टू वन जीरो टू प्लस सेवन प्लस टेन प्लस सेवन हाँ टेन जुम्मा लहरी बिल्कुल सही बात है जुम्मा लहरी इज़ द राइट आंसर देखिएगा इनके बारे में देख लेते हैं तो जुम्मा लहरी के द्वारा हाल ही में एक नोबल लॉन्च की गई है जिसका नाम है बियर्स अबाउट ये जो uh, नॉवल है बेसिकली रशिया इटालियन की इटली इटली की एक नावल है उसका ही इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर किया गया है इटली की एक नावल का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो जुम्मा लहरी ने किया है ठीक है जुम्मा लहरी के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है तो इसका नाम भी याद रख लेंगे वियर्स अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द अपर एज लिमिट फिक्स फॉर द एमडी एंड द सीईओ एंड द डब्लू इन द प्राइवेट बैंक बाय द आरबीआई तो ये न्यूज कल की है कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था आपको बताना है एज लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है जो निजी बैंकों के एम और सीई ओ है पंद्रह साल तो इनको कैप लगा दी गई है ये पंद्रह साल के लिए हो सकते हैं एम और सी साथ ही साथ इनकी अपर एज लिमिट कितनी कर दी गई है सेवेंटी फाइव सिक्सटी या सेवेंटी ईयर्स बहुत आसान प्रश्न है सही आंसर है सत्तर साल बिल्कुल राहुल अर्जुन दीपाली केशव वेरी गुड सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर है सत्तर साल बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी सेवेंटी इयर्स इसको हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था नेक्स्ट है नेम द यूनिसेफ गुड बिल एम्बेस्टर लेड द ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव ड्यूरिंग द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक तो यूनिसेफ सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया है विश्व टीकाकरण सप्ताह के लिए अब ये भी बता देना कि जो हमारा ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव है वो कब से कब तक चलाया गया और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया आंसर करेंगे कमल किशोर जी वेरी गुड कृति शर्मा अर्जुन यादव सत्यम जी बिल्कुल सत्तर साल सही आंसर था तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो बहुत बड़े यहाँ पर फुटबॉल के एक प्लेयर है जिसका जिनका नाम क्या है डेबिड बैकम तो इनको जो है वो गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेरी गुड अब मुझे ये बता दो कि ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव कब से कब तक चलाया गया कब से कब तक ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक था इसका आंसर कर देंगे चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं विच टीम हैज बीटन टोटेनहैम हॉस्पोर्ट इन द फाइनल लंदन टू बिना लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट कल मैंने इसका आपको आंसर बताया था कि लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा टीम जीती है ये लगातार चार बार जीतने वाली टीम है इसने लीबर इसने लीबर के रिकॉर्ड की बराबरी की है क्योंकि लीबर जो था वो भी लगातार चार बार इस टूर्नामेंट को जीता था और अभी दूसरी टीम कौन सी बन गई जिसने लगातार इस टूर्नामेंट को चार बार जीता है लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड सही आंसर आ चुका ग्यारह से चौदह नहीं है बेटा चौबीस से तीस है चौबीस से तीस अप्रैल चौबीस से तीस अप्रैल हम जो है वो टीकाकरण उत्सव वैक्सीनेशन प्रोग्राम बना रहे हैं तो चौबीस से तीस ट्वेंटी फोर टू थर्टी है ट्वेंटी फोर टू थर्टी है मतलब अभी कार्यक्रम चल रहा है ठीक है तो बिल्कुल सही बात है मैनचेस्टर सिटी वेरी गुड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा लीग का फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता किसने है मैनचेस्टर सिटी ने है ये लगातार चार बार इस टूर्नामेंट को जीता है अगला प्रश्न देख लेते हैं यह टूर्नामेंट लंदन में आयोजित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियन जीडीपी ग्रोथ टू बी हाउ मच इन द फाइनेंशियल ट्वेंटी वन एशिया विकास बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान वित्त वर्ष दो हजार इक्कीस में कितना किया है बारह परसेंट टेन पॉइंट सेवन परसेंट इलेवन परसेंट या नाइन पॉइंट एट परसेंट चलो पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे लिंक मिलने में दिक्कत हो रही तो सर ने स, ताहिर सर ने एक लिंक शेयर की है उस पर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी अगर वो लिंक भी नहीं मिल रही है तो एक बार महिंद्रा गुरु महिंद्रा गुरु सर्च करेंगे गूगल पर जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको सारी पी डी एफ से मिल जाएंगी तो बिल्कुल सही आंसर है ग्यारह परसेंट वेरी गुड एशियन डेवलपमेंट ने जो भारत की जीडीपी प्रोजेक्ट की है वो कितनी कही है ग्यारह परसेंट का तो वेरी गुड ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं हम विच हेल्थ अथॉरिटी हैज सेट दैट द फुली वैक्सीनेशन पीपल डू नॉट नीड टू वेयर मास्क आउटडोर किस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है जिसको दोनों डोज लग चुके हैं वैक्सीन की उसको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है वो रेस्टोरेंट वगैरह में जा सकता है बैठ के खा सकता है घूम सकता है फिर सकता है तो जिनको दोनों डोज लग चुके हैं वो उनको मास्क बियर करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा किस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है सी डी सी आई सी एम आर ई एम ए या एन एच एस ओके अभिषेक जी हम चेक कर लेंगे पी डी एफ के बारे में अब जीडीपी क्या है वो पूछ रहा है तो जीडीपी क्या, <laughs> तो क्या होती है तो जीडीपी क्या होती है तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है भारत के लोग भारत के अंदर रहते हैं और या बाहर रहते हैं तो उनके द्वारा जितना भी कमाई होती है वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ICMR कह रहे हैं कुछ लोग नहीं सीडीसी बिल्कुल यूएसए की है वेरी गुड मधुमंडल अभिषेक जायसवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं सीडीसी सीडीसी का क्या मतलब हो गया यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा ये एक यूएस सेंटर है फॉर डिजास्टर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन उनके द्वारा कहा गया जिनको पूरा वैक्सीनेशन हो गया है उनको मास्क बियर करने की जरूरत नहीं है सी कंट्रोल एंड द प्रिवेंशन डिजास्टर डिजास्टर कंट्रोल फॉर एंड प्रिवेंशन एंड अर्थक् सिक्स पॉइंट फोर मैग्नीट्यूड हिट विच इंडियन स्टेट ऑन द अप्रैल ट्वेंटी एट कल का दिन था कल जो है वो 6.4 पॉइंट रिएक्टर तीव्रता का एक भूकंप आया कहाँ पर आया गुजरात दिल्ली महाराष्ट्र या आसम अच्छा ये जो भूकंप होता है ये जो अर्थक्विक होता है उसके लिए हम दो डिवाइस यूज कर सकते हैं एक तो रिएक्टर स्केल में उसकी इंटेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं साथ ही साथ सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ एक डिवाइस होता है जो भी हमें अर्थक्विक के बारे में जानकारी देता है अर्थक्विक का जो सेंटर होता है उसको हम एपी के नाम से जानते हैं एपी सेंटर के नाम से उसको हम जानते हैं ठीक है अब आपको आंसर करना है कि 6.4 रिएक्टर का भूकंप कहाँ पर आया तो बिल्कुल सही आंसर है असम awesome. सकल घरेलू उत्पाद बिल्कुल जी जी कहलाती है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है कमल किशोर जी आप सही कह रहे हैं असम इज द राइट आंसर अगला प्रश्न देख लेते हैं रिसेंटली इंडिया हैज़ बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ थ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द पालपा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेशन हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि पालपा डिस्ट्रिक्ट में तीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन किया जाएगा ये पालपा डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस कंट्री में आती है म्यांमार नेपाल भूटान या बांग्लादेश अभी चारों के चारों हमारे पड़ोसी हैं म्यांमार नाइपेताऊ नेपाल काठमांडू भूटान थिम्पू बांग्लादेश ढाका सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ फोर किलोमीटर की इसके लिए मैंने कई बार एक ट्रिक आपको बताई है और वो ट्रिक क्या थी बचपन में एम किया ठीक है बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान नेपाल म्यांमार भूटान और अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ और सबसे कम बाउंड्री शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ केवल वन ज़ीरो सिक्स किलोमीटर की तो सही आंसर क्या हो जाएगा वेरी गुड नेपाल इज़ द राइट आंसर नेपाल और भारत के बीच की जो बाउंड्री है वो काली नदी बनाती है ठीक है तो नेपाल बिल्कुल सही आंसर है अगला प्रश्न देख लेंगे हम विच कंपनी लॉन्च रिवॉल्ट रिवॉलरी मोबाइल एप्लीकेशन रिंग टू द मेक इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक रिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ये जो रिंग एप्लीकेशन है वो किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है आईसीआईसीआई यूपी स्टॉक जेरोठा या एक्सिस डायरेक्ट के पी शर्मा ओली बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही है चलो तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस डायरेक्ट के द्वारा हाल ही में एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है रिंग एप्लीकेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट बेसिकली शेयर मार्केट का हिस्सा होता है और इसको कंट्रोल कौन करेगा तो उसको कंट्रोल करेगा सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे विच स्टेट हैज द इंक्ड एमओयू विथ अ माइक्रोसॉफ्ट स्किल ओवर 1.6 1.6 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ एंड द कॉलेज स्टूडेंट हाल ही में किस स्टेट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एम पे साइन किया है जिसके अंतर्गत जो भी उनके स्टेट uh, के स्किल्ड वर्कर होंगे स्किल्ड स्टूडेंट्स होंगे एजुकेटेड व्यक्ति होंगे ऐसे 1.6 पॉइंट सिक्स यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा रोजगार दिया जाएगा कौन सा ऐसा राज्य है कर्नाटका आंध्र प्रदेश असम या तमिलनाडु <laughs> बता दीजिए कोई है क्या ऐसे राज्य से कोई है क्या आंध्र प्रदेश कह रहे हैं अच्छा रश्मि जी कह रही है आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है डी विकास कुमार कह रहे हैं ऑप्शन डी तमिलनाडु चलो सही आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था कब गठित हुआ था 1953 में इसके अलावा राज्यों से गठन से संबंधित तीन कमेटी याद रखेंगे एस के धर कमेटी एस के धर कमेटी जे वीपी कमेटी और फजल अली कमेटी तो ये तीन कमेटी आपको याद रखनी है जो राज्यों के पुनर्गठन से या राज्यों के फॉर्मेशन से रिलेटेड है जे के धर कमेटी जे वीपी कमेटी और फजल अली कमेटी एस के धर जे और फजल अली कमेटी और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है आंध्र प्रदेश है ठीक है हरे अभिषेक जी चलिए अगला देखते हैं रिसेंटली बामन भोसले पास अवे ही वॉज रिलेटेड टू द विच फील्ड हाल ही में बामन भोसले का निधन हो गया ये किस क्षेत्र से संबंधित थे पॉलिटिक्स से सोशल एक्टिविस्ट से एक्टर थे या फिर एडिटर थे चलो <laughs> चलिए आप लोग भावुक हो जाते हैं आप लोगों को भी माइक्रोसॉफ्ट नौकरी करनी है या गवर्नमेंट नौकरी करनी है बिल्कुल फजल अली कमेटी अच्छा फैजल खान फजल अली कमेटी ठीक है बिल्कुल तो यहाँ पे बामन भोसले का निधन हो गया है जो मैंने आपको न्यूज़ में बताया था ये एक एडिटर है क्या है ये एक एडिटर है वेरी गुड अभिषेक जी एक एडिटर है रवि सिंगम जी वाई एस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है बिल्कुल सही बात है अगला प्रश्न देख लेते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो हमारा अभी टीकाकरण वीक चल रहा है आप ही ने बताया कि 24 से 30 अप्रैल तक ये सारा कार्यक्रम चलने वाला है इसकी थीम क्या है वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर सेफ वैक्सीन वैक्सीन वर्क फॉर ऑल पोलियो एरिशन चलो इसकी थीम क्या है चलो आंसर बताएंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसकी थीम क्या है वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर वैक्सीन लगाओ और एकदम सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म कर दो तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो चौबीस से तीस अप्रैल तक ये सारा कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत सभी को टीकाकरण के बारे में बताया जा रहा है <coughs> बिल्कुल स्वा... आ... स्वागिका जी बिल्कुल सही आंसर है ए ठीक अब कुछ और न्यूज रह गई है वो देख लेते हैं और स्टैटिक प्रश्न आज के बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बहुत सारे स्टैटिक प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं देखिएगा कुछ और न्यूज यहाँ पे जो छूट गई है वो देख लेते हैं सबसे पहले ये दिख रहे हैं आपको इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ए एस आई सी ए एस आई सी एस ये एक जापान की बेसिकली कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स के जो इक्वमेंट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करती है क्या करती है ये स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने का काम करती है एस एस कंपनी ये जापान की एक कंपनी है तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है हमारे इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को बनाया गया है जिससे इस कंपनी को जो सर्विसेज़ हैं वो सब तक पहुंचाई जाए और सबको इसके बारे में अवेयर कराया जाए अच्छा इसके अलावा जो हमारे टाइगर श्रॉफ भी हैं वो भी इस इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी इसके क्या है ब्रांड एम्बेसडर है अरविंद जडेजा ज़, की अगर बात कर लेते हैं तो अरविंद जडेजा ज़, जो 2008 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसके वाइस कैप्टन थे याद रखेंगे दो हजार में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इंडियन टीम के कैप, वाइस कैप्टन कौन थे अरविंद जडेजा थे अगर मैं इस कंपनी जापान की कंपनी की बात करूँ तो इसके चेयरपर्सन सी ई कौन है मोटाई योमा है ये जापान की कंपनी है इसकी स्थापना 1949 में की गई थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी नाइनटीन को पास किया गया था ठीक अगला देख लेते हैं अच्छा एक ओवर में थर्टी सेवन रन लगाया मैं आई पी एल देखती नहीं हूँ ना तो मेरे को पता नहीं है चलो अगला देखते हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप देखिएगा अब इसके साथ क्या घटना घटित हो गई है चैंपियनशिप जो है वो भारत में आयोजित होनी थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो भारत में आयोजित की जानी थी लेकिन भारत की हालत आप देख ही रहे कोविड के केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं इसलिए जो चैंपियनशिप है वो इंडिया से यूए दिल्ली से दुबई ट्रांसफर कर दी गई है तो पहले दिल्ली में चैंपियनशिप हो रही थी अब कहाँ हो रही है दुबई में होगी तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मूवड इंडि फ्रॉम इंडिया टू यू ए ड्यू टू द कोविड नाइनटीन क्राइसिस कोविड 19 महामारी के कारण इंडिया से यू एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को ट्रांसफ़र कर दिया गया है कब से कब होगी ये चैंपियनशिप तो मई में होनी थी ये चैंपियनशिप ट्वेंटी फर्स्ट तो टू थर्टी फर्स्ट में कहाँ पर होनी थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाना था लेकिन कोविड के पैंडमिक के कारण ये दुबई में ट्रांसफर कर दी गई है अच्छा अभी तक जो मेंस की टीम है उनके इवेंट अनाउंस नहीं किए गए हैं लेकिन जो व्यूमेंस की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की टीम है उनके नाम अनाउंस कर दिए गए हैं और उनकी जो हैड है वो कौन है मैरी कॉम है फिफ्टी वन कैटेगरी में ठीक है तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है अगला देख लेते हैं इंडिया मीराबाई चानू झिल्ली दाला बहरा विन मेडल इन द 2020 ट्वेंटी, ट्वेंटी एशियन वेट लिफ्टिंग तो देखिएगा अभी हाल ही में कंडक्ट हुई है एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई है तासकंद जो कि उज्बेकिस्तान की, की कैपिटल है 16 से 25 अप्रैल तो 16 से 25 अप्रैल के बीच में जो आपकी वे एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई है वो ताशकंद जो कि आपके उज्बेकिस्तान की कैपिटल है वहाँ पर हुई है एश भारत ने दो मेडल जीते हैं एक गोल्ड मेडल मिला है भारत को और एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है भारत को कितने मेडल मिले हैं इस एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में केवल दो मेडल मिले हैं एक गोल्ड मिला है और एक आपको क्या मिला है ब्रॉन्ज मेडल मिला है तो चलो देख लेते हैं गोल्ड मेडल किसको मिला है तो साइकोम मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से संबंधित है इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है फोर्टी नाइन कैटेगरी में ठीक है साथ ही साथ झिल्ली डाला बेहरा ये उड़ीसा से संबंधित है इनको गोल्ड मेडल मिला है 45 फाइव कैटेगरी के में तो इन दोनों लोगों लो के नाम याद रख लीजिएगा साथ ही साथ थोड़े समय पहले मीराबाई चानू ने भी एक और रिकॉर्ड बनाया था 119 वन का रिकॉर्ड भी जो है वो मीराबाई चानू ने बनाया था ठीक है तो इन दोनों लोगों के नाम आपको याद रखने हैं कौन कौन से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे साइकॉम मीराबाई चानू इनको मिला है आपका ब्रॉन्ज मेडल 49 नाइन कैटेगरी में और झिल्ली इनको मिला है गोल्ड मेडल फोर्टी फाइव के जी कैटेगरी में ये जो है ये आपके मणिपुर से बिलोंग करती हैं और ये जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं तो इन दोनों लोगों का नाम याद रख लेंगे दो मेडल अकेले मिले हैं बिल्कुल दो मेडल अकेले मिले हैं संजीव जी बिल्कुल मेरी कॉम जो है वो फिफ्टी वन के जी कैटेगरी में आती हैं अगला देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन स्विमर एंड ओलंपियन जॉन कॉनार्ड पासड अवे एट द सेवेंटी एट तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की एक स्विमर है जॉन कर्नार्ड्स इनका निधन हो गया है सेवेंटी एट एज में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल भी हासिल किया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल भी हासिल किया था तो जॉन कर्नार्ड वॉज सिलेक्टेड टू द ऑस्ट्रेलियन स्विम टीम ड्यूरिंग द नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ओलंपिक इन द मेलबर्न तो जो ओलंपिक हुए थे मेलबर्न में 1956 में ये उसमें सेलेक्ट किए गए थे अब यहां पे देख लेते हैं ही वॉन्ट द 1500 मीटर फ्री स्टाइल गोल्ड एंड द टू ब्रॉन्ज मेडल एट द 1960 समर ओलंपिक हेल्ड इन द रोम तो 1960 के जो समर ओलंपिक रोम में आयोजित किए गए थे उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक स्विमर हैं और एक ओलंपियन हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं इनका हाल ही में निधन हो गया है अब आपको दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो एनिमल है वो कैंगरू है अच्छा आपने ऑस्ट्रेलिया के में एक और न्यूज देखी थी प्लेटिपर्स तो प्लेटिपर्स का जो आ, सेंचुरी या फिर कंजर्वेशन सेंटर बनाने वाला पहला कंट्री भी कौन था ऑस्ट्रेलिया था ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा डेजर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रेगिस्तान है आ, सिम्सन डेजर्ट 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 ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, डेजर्ट, ये सारे के सारे जो मरुस्थल है वो कहां पर स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी ठीक है तो इतनी चीजें आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखनी है वेरी गुड मधुमय मंडल जी ऑस्ट्रेलिया कैनबरा इसकी कैपिटल है और डॉलर इसकी करेंसी है ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे पाया जाता है बिल्कुल सही बात है चलो फैजल खान की बात मानो सभी लोग एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आ रहा है और लिंक को शेयर कर देंगे अगली बात कर लेते हैं मेबाला चौधरी फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार पास्ड अवे तो देखिए बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मैं बाला चौधरी इनका हाल ही में निधन हो गया है ये एमएलए थे कहाँ से एमएलए थे ये तो मुंगर मुंगेर बिहार से ये जनता पार्टी के व्यक्ति थे तो बिहार पटना से संबंधित है ये मुंगेर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है इनका निर्वाचन क्षेत्र है और ये स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में भी काम कर सकें हालांकि उनके ऊपर कुछ करप्शन चार्जेस थे जिसके कारण इनको हटा दिया गया था तो इनका नाम भी याद कर रखना इनका निधन हो गया है ठीक है चलो अगली न्यूज़ देख लेते हैं ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आई ओ ए आई ओ ए मतलब क्या होता है इंडियन ओलंपिक एकेडमी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो आई ओ ए कहलाता है इसके वाइस प्रेसिडेंट थे जनार्दन सिंह गहलोत इनका हाल ही में निधन हो गया है तो जनार्दन सिंह गहलोत जो है वो आई ओ ए के वाइस प्रेसिडेंट थे पहली चीज़ तो इसको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़ ना साथ ही साथ जो गहलोत है वो फार्मर राजस्थान के मिनिस्टर भी हैं वॉज ऑल्सो फाउंडर द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन इन्होंने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना भी की थी ये राजस्थान के फार्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आई के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी गहलोत साहब ने काम किया है जिनका हाल ही में निधन हो गया है गहलोत वॉज इलेक्टेड एज अ वन ऑफ द नाइन आई ओ ए वाइस प्रेसिडेंट इन द टू थाउजेंड सेवेंटीन इलेक्शन तो दो हज़ार सत्रह के इलेक्शन में नौवें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे जनार्दन सिंह गहलोत ठीक है अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो गवर्नर है वो कलराज मिश्र है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो अशोक गहलोत है ठीक है बिल्कुल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से संबंधित हैं ये अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी इसकी जो प्रेसिडेंट है वो नरेंद्र बत्रा है सिक्योरिटी जनरल जो है वो राजीव मेहता है ठीक है तो नरेंद्र बर्त्रा और राजीव मेहता का नाम याद रख सकते हैं नाइनटीन में इसकी स्थापना की गई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आई तो इसलिए ये न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है चलिए अगली बात कर लेते हैं अब ये आपके क्या है श्रीलंका के एक तेज गेंदबाज है बॉलर है इनको आईसी के द्वारा जो है वो छः सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है बैन कर दिया गया है एंटी करप्शन के चार्जेस के कारण तो न्यूवॉन जोएक्सा एक्स श्रीलंका बॉलर गेट सिक्स ईयर बैन फ्रॉम द क्रिकेट फॉर द मैच मिक्सिंग ऑफेंसेस मैच फिक्सिंग करने के कारण जो कि इलीगल है मैच फिक्सिंग करना तो इनको आईसीसी के द्वारा छः साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है श्रीलंका के एक बॉलर हैं और साथ ही साथ बॉलिंग कोच के रूप में भी ये काम कर चुके हैं न्यूआन जोयसा तो ये पूछा जाएगा कि न्यूबॉन जोयसा का संबंध किस देश से है तो श्रीलंका से है ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं इनको छः साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है ठीक है इन्होंने अपनी लाइफ में अभी मतलब तीस टेस्ट मैचेस नाइन्टी फाइव वन डे इंटरनेशनल मैचेस को खेला है अब देखते हैं आईसीसी के बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब इसको आपको किसी ने बताया नहीं होगा सुनिएगा आईसीसी के बारे में तो आईसीसी एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की ठीक है इसकी स्थापना 1909 में दुबई में की गई थी कहाँ की गई थी दुबई में 1909 में इसकी स्थापना की गई थी और बाय द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एंड द साउथ अफ्रीका ये किस किस को रिप्रेजेंट करता था ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड को और साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेशन में 1909 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था बाद में नाइनटीन में आपने इसका नाम बदल के इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया और अभी आप जो नाम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट ये 1989 में को नामकरण किया गया था ये बातें आपको याद रखनी है ठीक है ये बात पता थी मिश्रा जी आपको कि पहले इसका नाम इम्पीरियल जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एस को कहते थे वैसे इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो है वो हम इसको कहाते थे नाइनटीन में इसको रिप्रेजेंट किसने किया था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने बाद में इसका नाम हमने चेंज कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया नाइनटीन में और बाद में अभी जो नाम चलता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको नाम दिया गया नाइनटीन में इसके चेयरपर्सन ग्रेक बार्कले हैं इसके डिप्टी चेयरपर्सन जो है वे इमरान ख्वाजा हैं सीईओ मनु सहानी है टेंट है और क्वार्टर कहां पर है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेड ऑफिस ठीक है अभी ठीक होगा राजकुमार जी? चलिए अगली बात कर लेते हैं अगली न्यूज देखेंगे यहां पे। उड़िया एंड इंग्लिश ऑथर मनोज दास डाइड एट 87। सेवन तो देखिए मनोज दास मनोज दास जो है वो उड़िया भाषा और इंग्लिश भाषा के एक ऑथर है लेखक है जिनका हाल ही में निधन हो गया है ठीक है इन्होंने बेसिकली जब ये हाई स्कूल में थे तब से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और इनकी जो पहली बुक थी जब ये हाई स्कूल में थे तब इनकी जो पहली बुक थी पहली जो बुक थी उसका नाम था सतावीरा अर्थवाना अर्थनादा ठीक है ये इनकी पहली बुक का नाम था अच्छा इसके बाद इन्होंने कुछ और कंट्रीब्यूशन दिए हैं जैसे कि एक इन्होंने उपन्यास लिखा है एक इन्होंने नोबल लिखी है जिसका नाम क्या है जीवनारा स्वाद जीवनारा स्वाद इसके अलावा इनकी जो शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है उसको क्या कहा गया है विशाख नायर कहानी कहा गया है और इनकी जो कलेक्शन है पोयम की तो पोयम की कलेक्शन को पद्म नाम दिया गया है साथ ही साथ इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 2001 में और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2020 में इनका हाल ही में निधन हो गया है साथ ही साथ इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है अरविंदो पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है तो उड़ीसा और इंग्लिश भाषा के एक लेखक हैं ये कौन सी बात क्लियर करनी है दास डी एस के जी कौन सी बात मैंने बताया कि 1909 में इम्पीरियल नाम था इसका फिर 1965 में देखो इसका नाम क्या रख दिया गया 1965 में इसका नाम रख दिया गया आपका इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस और फिर 1989 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रख दिया गया वर्तमान में आई का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है हाँ जी कमल किशोर जी मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं ठीक है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे छोड़ दिए और भी ज्यादा यहाँ पे आपको निधन या डेथ देखने को मिलेंगी। अगला ये न्यूज इंपॉर्टेंट है इसको लिख लेंगे नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारे पास पी आई का मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पी का मतलब क्या होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होता है पी तो पी के जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं संजय कुमार श्रीवास्तव इनका भी कोविड नाइन्टीन के कारण क्या हो गया है इनका भी डेथ हो गई है तो संजय कुमार श्रीवास्तव जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पी के और ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है साथ ही साथ कम्युनिकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया है इनका भी निधन जो है फिफ्टी की एज में कोविड के कारण हो गया है अच्छा श्रीवास्तव जी ने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विद एन के साथ भी काम किया है साथ ही साथ जब हामिद अंसारी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनके साथ भी पी ऑफिस में इन्होंने काम किया था अगर मैं पी के बारे में बात करूँ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो तो इसकी स्थापना नाइनटीन में हुई थी जब मॉन्टेंग्यू चैम्स रिफॉर्म आया था नाइनटीन में तब इसकी स्थापना की गई थी इसके एग्जीक्यूटिव जो है वो जयदीप भटनागर है तो जयदीप भटनागर जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर भी हैं इसके और मिनिस्ट्री कौन रिस्पॉन्सिबल है प्रकाश जावड़ेकर के अंतर्गत पीआईबी आती है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो बिल्कुल निधि गुप्ता जी जो इंपॉर्टेंट है केवल हम उनको ही देख रहे हैं आपने देखा ये पीआईबी की न्यूज़ है अब आपने आईओए की न्यूज़ देखी तो वो भी इंपॉर्टेंट थी तो जो इंपॉर्टेंट डेथ है केवल हम उनको डिस्कस कर रहे हैं बाकी तो मैंने सारी डेथ स्किप कर दी है ठीक है चलो अगली देख लेते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर करेंगे फटाफट और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे जिससे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा ठीक है स्टार्ट करें फटाफट स्टार्ट करें लिंक को शेयर कर दो और लाइक like करने में यार क्या ही जाता है लाइक like कर दो चलो पहला प्रश्न वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एन डी बी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है कीव मनीला संघाई या फिर न्यू दिल्ली आंसर करेंगे जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जिसने कहा है कि हमारे भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ग्यारह परसेंट रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेड ऑफिस मनीला फिलीपींस में मिलता है जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे मिलता है तो बिल्कुल सही बात है संघाई में मिलता है वेरी गुड अरे 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 विकास कुमार जी वही तो मैं समझा रही हूँ एडीबी और एनडीबी में आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा देख लेंगे एन मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई में ए एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस में दोनों में अंतर है ठीक है ना संघाई संघाई इज द राइट आंसर मनीला आंसर नहीं है एडीबी का आंसर है मनीला ठीक है चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं कन्फ्यूजन हो जाता है अगला है इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेज द डीआरडीओ डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड डीआरडीओ की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल मेडिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थापित की गई है बेंगलोर चेन्नई चंडीमाल या फिर न्यू डेली ठीक है ठीक है हाँ हाँ कोई बात नहीं रश्मि जी अभी ओके हैं तो यहाँ पे एक सही आंसर क्या हो जाएगा बेंगलुरु सही आंसर क्या हो जाएगा बेंगलुरु में डीआरडीओ के द्वारा लैब लगाई गई है साथ ही साथ देखिए जम्मू एंड कश्मीर में डीआरडीओ ने कहा है कि वो 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल भी बनाएगा तो पाँच बेड का कोविड हॉस्पिटल भी डी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है अगला देख लेते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया अभी आपको पता है ना कि 48 एट नंबर के जो चीफ जस्टिस बने हैं वो एन बी रमन्ना को बनाया गया है आपको बताना है कि भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे चलो आंसर कर दो बिल्कुल बेंगलुरु इज द राइट आंसर हाँ इस प्रश्न का आंसर कर देंगे हु वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखिएगा अगर हम बात करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत बेसिकली जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था कौन सा वाला सेवनटीन वाला तो उसके अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था और जिसके चीफ जस्टिस कौन थे एलिजा एम्फे थे तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कब होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होती है और सेवनटीन में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है जिसके चीफ कौन होते हैं एलिजा इम्फे होते हैं अब हम भारत में वापस आते हैं तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हरिलाल जेकानिया है हरिलाल जेकानिया एकमात्र ऐसे सीजें आई हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसे चीफ जस्टिस का नाम बताओ जो अपने पद पर थे जिनका टेंडर खत्म नहीं हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी तो वो थे हरिलाल जेकानिया तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हरिलाल जेकानिया अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है वैन डिड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कम इन टू द एग्जिस्टेंस भारत का संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया तो देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1935 आया था तब बात की गई थी फेडरल कोर्ट बनाने की तब बात की गई थी संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट बनाने की भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा आर्टिकल 130 में आपको मिल जाएगा कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है जो आर्टिकल दिल्ली में होगा आर्टिकल 130 के जरिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है या फेडरल कोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन से आया है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो देखिएगा एक अक्टूबर नाइनटीन को हुई थी तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम कोर्ट के बारे में इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा कि एन बी रमन्ना को सी जी आई बनाया गया है इसके अलावा हमारे जो बिल्कुल बिल्कुल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग है सभी को अगला प्रश्न देख लेते हैं हम देखिएगा हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीजेआई कौन से हैं सबसे लंबे समय तक रहने वाले सी अच्छा सी को अपॉइंट करने का काम कौन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं यूजिंग आर्टिकल नंबर वन टू फोर ठीक है ना प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट जो है हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं यूजिंग आर्टिकल नंबर वन टू फोर इनका जो टेन्योर होता है वो आपका पाँच साल या पैंसठ साल होता है जो भी पहले हो जाए पाँच साठ पाँच साल या पैंसठ साल होता है जो भी पहले हो जाए इनका टेन्योर होता है ठीक है आंसर करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा वाई बी चंद्रचूड़ वेरी गुड वाई बी चंद्रचूड़ बिल्कुल सही आंसर है विकास कुमार रश्मि सोनी तो वाई बी चंद्रचूड़ जो है वो सबसे लंबे समय तक जो है वो चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के और अगर सबसे कम दिनों के लिए बात करें तो सबसे कम दिनों केवल और केवल सत्रह दिन सेवेंटी डेज तो सत्रह दिनों के लिए जो हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं वो कमल नारायण रहे हैं तो सबसे ज्यादा वाई बी चंद्रचूड़ और सबसे कम जो है वो कौन रहे हैं आपके कमल नारायण रहे हैं अगला प्रश्न देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वेन वॉज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसे ब्रिटिश इंडिया कंडक्टेड अब देखो 2021 में भी हमारी डिजिटल जनगणना होनी है तो पहली बार जनगणना ब्रिटिश इंडिया के समय कब कंडक्ट की गई थी 1800, 1853, 1867 या फिर 1872? बिल्कुल रश्मि जी सत्रह दिन के लिए कमल नारायण जो थे वो जज बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के सबकी सबसे लंबे समय तक वाई भी चंद्रचूर थे चलो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई थी तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहले सेंसेक्स कराई गई थी जनगणना कराई गई थी तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट या ट्वेंटी नाइन माइनॉरिटीज तो भारत में वर्तमान में सिक्स माइनॉरिटीज रहती हैं छः माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती हैं कौन कौन सी हैं तो मुस्लिम हैं सॉरी छः माइनॉरिटीज रहती हैं कौन कौन सी हैं छः माइनॉरिटीज़ जैन है बौद्ध है ईसाई है यहूदी है इसके अलावा कौन है सिख हैं और पारसी हैं ठीक है तो ये छह माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो भारत में रहती हैं और इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो आर्टिकल है वो है पच्चीस कहां से आ गया पच्चीस नहीं है बिल्कुल ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन सही कह रहे हैं आप लोग राहुल कुमार जी ट्वेंटी नाइन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन जो है वो अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आर्टिकल नंबर ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी नाइन इज द राइट आंसर अगला प्रश्न है जो कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ठीक है क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले विच अमंग द फॉलोइंग नेशन हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन द नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म ऑन द क्लाइमेट चेंज ऑप्शन आर ओमान बहरीन जॉर्डन या सऊदी अरेबिया जो भी आपका आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन लोगों के आंसर सही होंगे उनका नाम प्रेजेंटेशन में शामिल करेंगे चलिए अब जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी बातें कि डेली सुबह साढ़े छः बजे मेरी क्लास होती है साथ ही साथ अगर आप आर आर बी एन टी पी सी ग्रुप डी यू पी एस आई के लिए जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं एस एस सी के लिए जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो को शाम को चार बजे डेली शाम को चार बजे इवनिंग में जो है यूट्यूब पर मेरी जनरल साइंस की एम सी क्यू सीरीज़ चलती है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और जो पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी आपका आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और जाते जाते लाइक बटन पर क्लिक कर देंगे ठीक है चलिए थोड़ा सा डिटेल में आंसर कीजिएगा थैंक यू मिलते हैं कल सुबह साढ़े छः बजे अपने कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ